मतलब जैसे कि मेरे टीममेट्स है जितने भी रहे थे, जब मैं एग्जाम में था तो हमारी नई टीम बनी थी तो पंक था, तो ये पंक को भी कहीं ना कहीं शायद पता होगा और मुझे तो पता है कि मतलब पंक का जो करियर था ना, बहुत मेहनत करता था, बहुत अच्छा आता था, उसके मतलब नंबर्स वगैरह बढ़ नहीं रहे थे जब वो नहीं करता था 7-7 8-8 घंटे की स्ट्रीम, तो स्काउट ने ना उसका टैलेंट अप्रिशिएट करा। उस टाइम कोई भी कर सकता था, किसी ने बोला नहीं कि भाई पंक बहुत अच्छा खेल रहा है, किसी ने स्ट्रीम पे नहीं बोला था। एक स्काउट ही था जिसने बोला कि यार ये लड़का पंक बहुत अच्छा खेलता है, उसने पंक को खुद सामने से तारीफ करी स्ट्रीम पे, उसे काइंड ऑफ शार्ट आउट दिया एक इनडायरेक्ट वे में, तब से ना पंक को बहुत बूस्ट मिला था करियर में। फिर जब गेम का अगला पार्ट आया, जब पंक चला गया टीम से, तो उसने फियर्स जो है फियर्स की बहुत मदद करी थी, फियर्स को बोलता था मैं तो समझाता हूँ कैसे, और उसकी बहुत हेल्प करता था। और उसे रिटर्न में क्या मिल रहा है, कुछ कुछ मिल नहीं, रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। कुछ नहीं मिला उसे कभी रिटर्न में, ठीक है। और मेरा भी जब टूर्नामेंट मेरे खराब जाते थे, और जब मैं बाहर होता था रिसेंटली भी जब बीएमपीएस बीजेएमएस था, तो मैं ना बहुत नाराज होता हूँ क्योंकि मैं गेम से मैं बहुत कनेक्टेड हूँ, तो मैं बहुत ना ज्यादा नाराज होता हूँ। तो और जितने भी इससे पहले हुए, जब जब भी स्काउट रहा ना, और जब मुझे देखता था कि भाई सेंसी नाराज है बाहर हो गया, तो हमेशा आगे ना उसने मुझे एक हौसला दिया है, उसने मुझे होप दिया कि कोई बात नहीं यार मैं तो ट्राई कर ही रहा हूँ। उसने ये बोलता है कि चल नहीं जीता तो मैंने भी कुछ नहीं उखाड़ा उतना, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम ट्राई कर सकते हैं। वो हमेशा उसने बीजेएमएस पिछले बीजेएस पिछले के पिछले वो जो बीएमपीएस इन सब में रहता था ना, तो हमेशा उसने मेरी हेल्प ही करी है और हाँ इनडायरेक्ट वे में। और भाई जो लोग बोल रहे हैं कि हमें ये नहीं मिला ये नहीं मिला, शायद नहीं मिला हो, मैं बोला तुम्हारी बात एकदम सच है, लेकिन शायद उस टाइम स्काउट भी कैपेबल ना हो उस चीज करने के लिए, हाँ वो तो है क्योंकि ही। मुझे इतना पता है कि यार चल वो है हरामी, वो बोलता जाता है ठीक है, गाली दे देता है, गुस्सा ज्यादा आता है, हाँ। लेकिन वो किसी का भी किसी का बुरा नहीं कर सकता। अब मैंने उसमें हाँ गुस्सा भी वो कितना आता है इंसान ही भाई, ऐसा नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, दो गुस्से मिनट है गुस्सा आता है ठीक है, बस। और कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, उसकी दो आदतें खराब है, लेकिन उसकी कुछ चीज़ें बहुत सही है जिसकी वजह से मुझे लगता है वो कभी खराब इंसान रहेगा ठीक है। और बहुत दिल का साफ है वो, मैं उसे कब से जानता हूँ, बहुत टाइम हो गया, मैं जब मीहम में खेलता था ना एकदम अंडरडॉग, मैं तब से जानता हूँ उसे, और दिल का बहुत साफ बंदा है। और मुझे लगता है कि जो लोग अभी उसे बोल रहे हैं नहीं बोलना चाहिए, तुम कभी मेरा बताओ क्या मानना है। मेरे मेरे एक टीमेट था मानो, उसने मुझे बोला कि यार तू सेंसी ना दोस्त कम रखियो, मतलब ऐसे उसने बोला कि मैंने बोला यार मेरे दोस्त हैं ये है वो है, क्यों मैं बहुत फ्रेंडली बनता हूँ तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, तो उसने मुझे बोला कि सेंसी एक चीज़ याद रखियो, तेरी माला भले ही छोटी हो लेकिन सारे तेरे जो माले में फूल हो ना सारे गुलाब के हो, मतलब तेरे दोस्त भले ही कम हो लेकिन अच्छे हो, सारे अच्छे अच्छे हो। हो, समझ रहे हो। उसने ये चीज़ बोली और वो चीज़ मैं समझा, मैंने उस चीज़ को देखा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि हम तेरे दोस्त हैं तू हमारे दोस्त है, और एक्चुअल में कभी दोस्त नहीं होते, वो बस बकचोदी करते कोई बस। ना कोई एक चीज होती है उनके बीच में जिसकी वजह से उन्हें दोस्त रहना पड़ता है कुछ ऐसा। मैं हाँ इस पर्टिकुलर जो अभी चल रही कॉन्ट्रोवर्सी उसके रिलेटेड नहीं कह रहा, एक मैं हाँ लाइफ ओवरऑल लेसन ले लाइफ रहा है। का, हाँ लाइफ लेसन भी मैं इतना बड़ा तो हूँ नहीं, नहीं फिर भी हाँ अभी मेरी दाढ़ी नहीं आई सफेद तो चलो दूर की बात, हाँ तो मैं आएगी भी वो नहीं वो, आई हाँ तो मुश्किल है। यहाँ हड़े दूसरे तो नहीं, मैं और शेडे ऐसे लगते बिना दाढ़ी अच्छे, हाँ तो मैं ये बोल रहा था शैडो तो है थोड़ी, और शैडो को घुसी बीच में हम दोनों भाई हैं, अपने हम दोनों आप भाई भाई। हैं, हाँ तो मैं यही बोल रहा हूँ। और स्काउट मतलब बहुत सही बंदा है, और मुझे ऐसा नहीं कि मैं उसके सेटअप स्ट्रीम करा उसके बोल रहा हूँ मुझे उसे बोलने के लिए बोला ऐसा नहीं, लेकिन मैं वही। और मुझे एक और चीज़ बताऊँ क्या, मेरा एक और था, और मेरे मतलब लाइफ जो लेसन है ना, मुझे हमेशा दोस्त बहुत अच्छा सिखाते हैं। और एक और मुझे बात जो मैं अप्लाई करता हूँ अपनी लाइफ में, मैं आपका दोस्त हूँ आप मेरे दोस्त हो ठीक है, हमारी दोस्ती मेजर नहीं करी जा सकती जब तक हम दुश्मन न बन जाए ठीक है। मैं बताता हूँ किस वे में कह रहा हूँ, कि जब दो बंदे आपस में दोस्त रहते हैं ना तब तो कोई भी एक दूसरे का अच्छा बन सकता है, तब तो कोई भी तूने एक दूसरे का, समझ रहे हो कि भाई ये बड़े मेरे भाई है बड़े बड़ा बड़ा सही है, बोला हाँ मतलब थोड़ा क्या ऐसा अभी? समझ लॉन्डो गया के भाषा में बोल रहा हूँ, तो समझ मतलब ऐसा कोई भी अच्छा बन सकता है, लेकिन असली दोस्ती बताऊँ असली दोस्ती का टेस्ट कब होता है, जब दो बंदे दोस्त नहीं रहते तब पता लगता है कि भाई कैसे दोस्त है। जैसे मुझे पता है कि आज मैं मेरा एक दोस्त है प्रधान है भाई है ठीक है, मेरे को दो तीन और दोस्त हैं मतलब जो बिल्कुल मेरे दिल जैसे हैं ठीक है, तो मुझे पता है आज के बाद चलो मेरे इनसे किसी वजह से लड़ाई हो जाती है, लेकिन मुझे इतना पता है भले हमारी दोस्ती टूट जाए वो बंदा मेरे बारे में कभी उल्टा नहीं बोलेगा, हाँ भले ही मैं उसका दोस्त नहीं हूँ लेकिन उल्टा कभी भी नहीं सोचेगा। नहीं सोचेगा, मैं अगर चार बंदे मेरे बारे में बुराई कर रहे हूँ भले वो मेरा दोस्त नहीं है लेकिन मुझे डिफेंड करेगा, और सेम मेरे केस में कि उसके बारे में भी, और मुझे लगता है यही दोस्ती होती है, कि दोस्त रहते वक्त तो कोई भी दोस्ती निभा सकता, समझ रहे हो, वो तो है जब यार। दोस्ती नहीं रहती तब दोस्ती निभाना उसे कहते हैं दोस्ती, मेरा मानना ये है।